बॉलीवुड के बादशाह यानी कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान सर, भगवान का दिया हुआ किंग ऑफ रोमांस के पास सब कुछ है। मतलब चार्म है, आप जैसे इतने अच्छे फैंस हैं, नाम है, शोहरत है, पैसा है, रुतबा है, जुनून है, सारी चीज़ें हैं। अब किंग ऑफ रोमांस के पास मुंबई महाराष्ट्र में एक मन्नत है जो कि उनका आलिशान बंगला है और ढेर सारी कारें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उनकी एक रॉयल सवारी के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि है एक लग्जरी लेमोजिन कार। ये जो लेमोजिन कार्स हैं दोस्तों, ये ऑर्डर देके बनाई जाती हैं और किंग ऑफ रोमांस ने ऑर्डर देकर ये कार बनवाई है। सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई कार का ब्रांड नहीं है बल्कि ये लग्जरी कार्स की एक क्लास है जिसे क्लासिक लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, और हमारे किंग ऑफ रोमांस तो क्लासिक हैं ही दोस्तों। अब 2014 में किंग ऑफ रोमांस के पास एक इनविटेशन आता है रॉयल फैमिली ऑफ दुबई की तरफ से। किंग ऑफ रोमांस अपनी क्वीन यानी कि गौरी खान के साथ इसी कार में बैठकर पहुंच गए उनसे मिलने के लिए दुबई में। अब दोस्तों इस कार का नाम शाहरुख खान ने रखा है रॉयल स्टेट बाय शाहरुख खान। ये बहुत लंबी है, इसका अंदर का इंटीरियर शाहरुख सर ने अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि ये जो कारें हैं ये डिज़ाइन करवानी पड़ती हैं, मतलब जो भी इनको अफोर्ड करना चाहता है वो इनको डिज़ाइन करे। मेन चीज़ है कि इसका जो सेक्शन है, इसके दो सेक्शन में डिवाइड होती हैं कार, एक फ्रंट सेक्शन एक बैक सेक्शन। फ्रंट सेक्शन में बेसिकली ड्राइवर, उसके जो सपोर्टिव ड्राइवर होता है उनके लिए होता है, और बैक सेक्शन में दोस्तों पूरा जो मालिक है वो अपने मुताबिक उसको डिज़ाइन करवा सकता है। सो दोस्तों ये तो थी हमारे बॉलीवुड के बादशाह की एक लग्जरी सवारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप मुझे बताइए कि किंग ऑफ रोमांस क्या इस कार को डिज़र्व करते हैं? मतलब मुझे तो लगता है इससे बड़ी कार को वो डिज़र्व करते हैं। जो भी कहना है इस कार के बारे में, किंग ऑफ रोमांस के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इन फिल्मी अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज।